हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। कोरियाई स्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग के गैलेक्सी फ्लैगशिप स्मार्टफोन शुरुआत में यूजर्स को इम्प्रेस करने में ज्यादा कामयाब नहीं रहे हैं। इन स्मार्टफोन्स के लॉन्च होने के बाद इनको कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है, जिसकी खास वजह है इसकी कीमत भी हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार सैमसंग अपने गैलेक्सी नोट 8 डिवाइस के करीब 10,000 यूनिट्स हर दिन बेच रही है, जबकि सितंबर के आखिरी हफ्ते में कंपनी ने 20 सेकंड 30,000 यूनिट्स हर दिन बेचे हैं। सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 में 6.3 इंच की क्वाड HD इन्फिनिटी डिस्प्ले दी गई है, जो 2960x1440 पिक्सल रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती है। इसमें इस बार सैमसंग का बनाया हुआ 2.3 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टाकोर सैमसंग एक्जिनास 8895 प्रोसेसर लगा है, जो हाई एंड गेम्स को प्ले करने में काफी मदद करेगा। 6GB रैम से लैस इस स्मार्टफोन को कंपनी 64GB, 128GB व 256GB स्टोरेज ऑप्शंस में उपलब्ध करेगी। नोट 8 के रियर में इस बार डुअल रियर कैमरा दिया गया है। इनमें से एक 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस को सपोर्ट करने वाला कैमरा है, वहीं दूसरा 12 मेगापिक्सल का कैमरा ऑप्टिक इमेज स्टेबलाइजेशन को सपोर्ट करता है। यह कैमरा 2x ऑप्टिकल जूम और 10x डिजिटल जूम को भी सपोर्ट करेगा, जिससे दूर की तस्वीरों को भी आसानी से कैप्चर किया जा सकेगा। इसके फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस वाला कैमरा दिया गया है, जो ब्राइटर सेल्फीज को कैप्चर करने में मदद करेगा। गैलेक्सी नोट 8 में पेन दिया गया है, जो नोट्स, लाइव मैसेज, बिक्सबी विजन और स्क्रीन ऑफ मेमो को सपोर्ट करता है। इसके अलावा यह स्मार्टफोन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, बिक्सबी वॉयस असिस्टेंट और स्कैनर, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, फिंगरप्रिंट सेंसर और नॉक्स प्रोटेक्शन को भी सपोर्ट करेगा।